अपनी सुनाई। आप क्यों रोए जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। आप मत्ती बजा, लेकिन ये अपने वेदना की बात है, अपनी अपनी वेदना। इस मंच से हम संबंध 45 नहीं बल्कि 50 वर्षों से रख रहे हैं, क्योंकि 4 साल पूजनीय चाचा जी को इस दुनिया से अलविदा किए हो गया है और 45 वर्ष वो यहाँ आए हैं। आज कितना है? 49 वर्ष से इस जगत जननी माँ ने हमें हमारे घर को पूजनीय चाचा जी को स्वीकारा है। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कुमम्मा, नहीं है? इसलिए मैं उसके चरणों में बार बार विनती करता हूँ माँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी बात है। क्या कि यही हरि भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। न जाने हरि न जाने, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि हरि रीझ जाते। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं? ये भगवान है, संसार में सबका है, किसी की बापोती नहीं है। ये दुनिया है, ये दुनिया इनकी है, इन्होंने बनाई है। ये घुमाते, ये चलाते, यही दिन करते, यही रात करते, यही सूरज को निकालते, यही सूरज को अस्त करते हैं। और एक जय प्रकाश नहीं, लाखों जय प्रकाश आएंगे, वो गाके चले जाएंगे, माँ ऐसी बैठी रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रेम के बस, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। ये संसार में जिसमें जिसके हृदय में प्रेम होगा वो इस परमात्मा को खड़ा कर लेगा सामने के लिए खड़ा है। जैसे मीराबाई ने किया, सूरदास ने किया, बिंदु जी ने किया, भगवान तुलसीदास जी ने किया, और उसी प्रेम की आवश्यकता है। देखो आप कि नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज, अरे कहां सागर दिखाते रहोगे, हमारे महलों में चलो, 56 भोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नहीं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलको से लगाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब हरि ग्रंथ का। इस लड़के ने
पप्पू सेन नाम है इनका, कटारा के ताली बजावे के लिए। तुम लोग बात नहीं करोगे, बात केवल हम करेंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं बोलेगा, हमें बोलने दिया करो। ये इतने चढ़ गए जब से पापा खत्म हो गए, जब से ये खाए जाते आदमी है, सब मिल जाए ये मोयो चक का सब जब लोग पकड़ा जी दिखा। पप्पू बेटा तुम निछाओ लेत के आओ, तुम दे गए अपने निछाओ तो यार हमारी निछाओ तुम ले जाओ, ठीक है ये भी ये नाव के लड़का निछाओ तुम लेत के आओ यार। सबरे नहीं दे भगवान बात का सबरे दे, फिर तो हमारी नाव बन में तैयार है। वही बोलो कि न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। उन गोपियों ने जिन्हें अपना जीवन भगवान कृष्ण के लिए रोते रोते गुजार दिया, जगत जननी महाराज का उनके बुलाने से नहीं आए, लेकिन द्रौपदी की द्रौपदी की दशा पर द्वारका से हर दौड़े आते हैं, द्रौपदी की दशा पर द्वारका से दौड़े क्योंकि ये ऐसी मंच है बुंदेलखंड की जहां मैंने बैठ के अपने परिवार वालों के साथ में प्रोग्राम सुना है और किया है। इसके अलावा दूसरी मंच बुंदेलखंड में हमें आज तक नहीं मिली कि जहां पे हम अपने बच्चों को लेके जा सके और बैठ सके। बड़ी बड़ी मंच है लेकिन ये मंच, यहाँ ये अनुभव होता है कि जैसे हमारा परिवार बैठ के सुन रहा हूं गा रहा, जितनों गावा कि न रोए पन गमन में सुन पिता की वेदनाओं पर, न रोए पन गमन में सुन पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते राजा ढोलक बजा रहे हैं उनके लिए भैया धीरज की ओर से ₹50 का पुरस्कार ढोलक वादक की तरफ से एक ढोलक वादक के लिए। तालियां बजाएं आप लोग अंतिम बात इस भजन की, फिर इसके बाद बढ़िया लोकगीत आपका। चेकियर भी बैठे थे संगीत को जो हम उन्हें सिखा उतरा। अंतिम बात है कि कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को,
वो चरणों तक स्वयं के पट के घर जाकर लुटाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब हर ग्रंथ दाते बहुत जल्दी आप जवाबी लोगी सुनाए हम कह सके हर साल तुम्हारे गुरुजी को फेवरेट गीत है जो आपके गुरुजी का नाम श्री भागवत प्रसाद विश्वकर्मा कहाँ के हैं अजयगढ़।